हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा ऑफिशियल। और आज है फ्राइडे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि तीज आने वाली, तो मुझे अपने लिए साड़ी लेना है। तो चलती हूँ, देखती हूँ मुझे पसंद आती है कि नहीं आती साड़ी। अगर पसंद आएगी तो लूंगी, नहीं पसंद आई तो नहीं लूंगी मैं। और इनके भी छुट्टी है तो ये लेके चल रहे हैं। बोले कि चलो मैं घुमा भी लेता हूँ, तुम साड़ी भी ले लेना। और मुझे बोले चलो तुमको पार्टी देता हूँ आज, मैं क्या खाओगे तुमको खिलाता हूँ मैं। तो चलती है, चलते हैं हम, देखती हूँ क्या खिलाते हैं ये। बोल तो रहे हैं कि चलो पार्टी दूंगा, खिलाऊंगा ये वो, देखती हूँ क्या खिलाते हैं क्या नहीं। आपको आपके साथ में शेयर जरूर करूंगी क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए और हम कहाँ कहाँ घूमे हैं। जय कर रहा है ये। बाबू जय जी पप्पा लोगे, जय खिलाओ उसको, खिलाओ मैं गई थी मार्केट साड़ी लेने के लिए, पर ले नहीं पाई क्योंकि बारिश आ रही थी जा रही थी, ऐसे बार बार हो रहा था। जाने के टाइम में मैगडी था, तो इनके फ्रेंड वहां पे के काम करते हैं, वहां के मैनेजर है, वो इनको मिलना था, उनसे बहुत काफी टाइम हो गए थे मिले नहीं थे। तो ये बोले चलो मैं मिल भी लेता हूँ, घूम भी लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद घर पे चलते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी। और मुझे इतना ध्यान में ही नहीं आया कि आज मतलब जन्माष्टमी है, तो दही हंडी भी जगह जगह बांधा था फोड़ने के लिए, तो बहुत ट्रैफिक भी थी हर जगह, और दही हंडी बांधा था तो पब्लिक भी बहुत ज्यादा थी। तो फिर मैं मार्केट गई नहीं, फिर चले गए मैकडी हम लोग, वहां पे इनके फ्रेंड से मिले। तो इनके फ्रेंड ने हमें
कोक था, बर्गर था और फ्रेंच फ्राइज था, और बाबू के लिए आइसक्रीम ये ऑफर किया था खाने के लिए, तो हम लोग खाए और बाबू भी बहुत इंजॉय किया। बाबू फर्स्ट टाइम फ्रेंच फ्राइज खाया होगा मेरे ख्याल से, फर्स्ट या सेकंड, नहीं बाबू सेकंड टाइम फ्रेंच फ्राइज खाया होगा, फर्स्ट टाइम अपनी मामा के घर पे खाया था, सेकंड टाइम उनके फ्रेंड ने ऑफर किया था तो वो खाया, उसने आइसक्रीम बहुत इंजॉय किया उसको। आपको तो पता ही होगा कि बाबू को आइसक्रीम और केक बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो अगर उसने बाबू ने देखा केक तो बस इतना खुश हो गया कि बस मेरा काम तो हो गया, बहुत खुश हो गया था, तो उनको थैंक यू भी बोल रहा था और हाथ मिला के। उसके बाद चले गए थे डी मार्ट, बाबू को लेना था डायपर, तो फिर सिर्फ डायपर लिए, उसके बाद घर पे आने लगे हम लोग, तो उनका हो गया गाड़ी खराब। आधे रास्ते हम पहुंचे थे, आधे नहीं मतलब आधे ज्यादा रास्ते हम लोग पहुंच गए थे, फिर उनका थोड़ा गाड़ी खराब हो गया था, मतलब वो चेन होते हैं बाइक का वो टूट गया था, तो फिर ये कहीं अच्छा हुआ कि वहीं पे गैरेज था एक, तो फिर वो अपना चले गए, थोड़ा चल के गए वहां पे, तो गैरेज वाले को बुलाया, तो उनके बाद जो भी उनका बात भी हुआ, तो गाड़ी अपना ये अपना बाइक वहां पे गैरेज में छोड़ दिए थे, उनका स्कूटी था तो वो लेके हम लोग घर पे आए, और मैं ऐसे रोड पे बैठी थी, बीच रोड पे मुझे बहुत खराब लग रहा था, पर क्या करिए अचानक में ऐसा हो गया, थोड़ा टाइम में से साइड में खड़ी थी, उसके बाद ये स्कूटी लेके आए गैरेज से, फिर हम लोग घर पे आए, तो खा पी लिए हैं और अभी बज गए 10:30 बज गए हैं, और आने के टाइम हम लोग बिरयानी ले लिए थे, दो फुल बिरयानी लिए थे, तो एक ये और एक मेज़ा खा लिए, तो हो गया खाना हमारा। घर जाके मैं कुछ बनाई भी नहीं थी क्योंकि इनका गाड़ी खराब हो गया था ना, थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था कि मैं बोली इनको मैं खाना बनाऊंगी नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं गई थी मार्केट साड़ी लेने के लिए, मैं साड़ी ले पाई, बारिश इतनी ज्यादा मतलब आ रही थी जा रही थी, तो फिर बाबू भी साथ में था, तो मुझे सही लगा नहीं कि अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो फिर बहुत लेट भी हो जाता और बारिश में बाबू भीग भी जाता, फिर तबियत खराब हो जाती, और जगह जगह हर जगह दहंडी बांधा हुआ था, तो फिर चले आए घर पे हम लोग बिरयानी लेके, अपना घर पे ही खाए हैं, और अब चलती हूँ अपनी वीडियो का भी एंड कर दूंगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।